दो आदेश हूँ दूसरंगी। उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हों स्वर में, जागे सुप्त भवन के प्राण। गति विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की घनंद गुफा में जागृत की हुंकार उठे। परेड कमांडर परेड के शीर्ष की ओर जाते हुए परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कुछ ही क्षणों में परेड माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। सुंदर परिधानों व पोशाकों से सुसज्जित, चेहरे पर जोश, हौसले व बुलंदियों के साथ बैंड की मधुर धुन पर मार्च करते नवारक्षी, इनके फौलादी हाथों में सुशोभित शस्त्र, आसमान की ऊंचाइयों से हौसले एवं घोड़ों की टापों जैसी तेज चाल, ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है जैसे सागर की लहरें साहिल को छूने को बेताब हो। इन जवानों को कदम से कदम मिलाकर जोश से आगे बढ़ते, वसीने में मातृभूमि पर मर मिटने का भाव लिए देख दुश्मनों का खून सूख जाता है। इन जवानों के कदमों की थाप अनायास ही श्री माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा की कविता की पंक्तियां याद दिलाती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए जवान, सभी से मेरा अनुरोध है कि तालियां बजाकर इन जवानों का उत्साहवर्धन करें। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से जोड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ दीक्षांत परेड के दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। परेड में सबसे आगे हैं परेड कमांडर श्री शंकरलाल जाट, सहायक कमांडेंट, उनके पीछे परेड 2IC सिपाही नरेंद्र सिंह सोलंकी एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के क्रम में सबसे आगे परेड की पहली प्लाटून नवारक्षी देवचंद पाजे के नेतृत्व में। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई प्लाटून संख्या 2, जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं नवारक्षी अंकित लहरी। सुंदर परिधानों से सुसज्जित प्लाटून संख्या 3 नवारक्षी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हैं। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई हौसलों की उड़ान, वीरता का प्रमाण, अद्भुत शौर्य का पर्याय, निडर साहसी योद्धा, मातृभूमि की रक्षक व भारत भूमि की शान नारी शक्ति, प्लाटून संख्या 4 नवारक्षी डोली हलोई के नेतृत्व में। प्लाटून संख्या 5 पॉपी गोगोई के नेतृत्व में। प्लाटून संख्या 6 की कमान संभाली है नवारक्षी रोशनी कन्वर ने। इस समारोह में अपनी मनमोहक धुन बिखेरते हुए ब्रास बैंड, निरीक्षक बैंड जून उस 12 की कमांड में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए प्लाटून संख्या 7 नवारक्षी ओम प्रकाश उइके के नेतृत्व में। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई प्लाटून संख्या 8, जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं नवारक्षी मयंक श्रीवास्तव।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए प्लाटून संख्या 9 नवारक्षी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में। अंत में प्लाटून संख्या 10 नवारक्षी कोमल कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए। आपके समक्ष सलामी मंच के सामने किले का दृश्य, उसकी प्राचीर पर खड़े ये बिगुल वादक उन दिनों की याद दिलाते हैं जब रणभेरी का तुमुलनाद समस्त आकाश को गुंजायमान करता था और सेनाएं कूच करती थी मानवीय शौर्य और पराक्रम के प्रदर्शन स्थल रणक्षेत्र की ओर। कलिंग से करगिल तक और पानीपत से प्लासी तक अतीत की अनेक शौर्य गाथाओं के प्रतीक और परंपरा के वाहक ये बिगुल वादक। साथ ही पृष्ठभूमि में विविध रंगों से अनुरंजित और उत्साही एलात से ओतप्रोत लहराते फहराते ध्वज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की शक्ति व विविधता को प्रदर्शित करते हैं। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, अब कदम मिलाकर चलना होगा। युवाओं के आगे बढ़ते हुए कदम और चरित्र की दिशाएं किसी भी राष्ट्र के भाग्य निर्माण की रेखा कही जाती हैं। बाधाएं आती हैं तो आएं, घोर प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, अब कदम मिलाकर चलना होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कर्म भूमि गौरवशाली परंपराओं और बलिदानों की गाथाओं से समृद्ध रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास के गर्भ में शामिल है शहीदों की कुर्बानियां, वीरों के बलिदान, खून और पसीने से सिंचित हमारी मातृभूमि पर हंसते हंसते कुर्बान होने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान।